शंकराचार्य घाट पर वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण और सूर्यार्घ के साथ नव संवत्सर का आगाज किया। नव संवत्सर के अवसर पर काशी के शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्यामठ में ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातनी पंचांग व शंकराचार्य दिनदर्शिका का लोकार्पण किया तथा इस अवसर पर शंकराचार्य जी महाराज ने विश्व के समस्त सनातनियों के नाम अपना संदेश जारी किया। शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि नव संवत्सर की शुरूआत वैदिक विद्यार्थियों ने मंगलाचरण से किया, जिसके अनंतर श्री कृष्ण कुमार तिवारी ने साथी कलाकारों के साथ गणेश वंदना की प्रस्तुति की। इसके पश्चात सूर्यार्घ दिया गया व वैदिक विद्यार्थियों ने सूर्य प्रणाम किया। शंकराचार्य जी महाराज द्वारा लोकार्पित पंचांग के संपादक प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने नव संवत्सर का फल श्रवण कराया। इसके बाद ध्वजा पूजन, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, राष्ट्र नदी गंगा गान, पथ संचलन हुआ। महेंद्र प्रसन्ना का साथी कलाकारों संग शहनाई वादन, भजन के बाद राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ पीएन मिश्रा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन साध्वी पूर्णाम्बा ने किया। संयोजन देवी शारदाम्बा, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, ब्रह्मचारी परमात्मानंद ने किया। देखिए, ये जो नव संवत्सर है, इस संवत्सर को काल संवत्सर कहा गया है। काल का अर्थ होता है मृत्यु। काल नाम सुनते ही सबको मन में भय उपस्थित होता है, लेकिन पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने जैसे कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु अनुकंपय मां हत्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। आज एक बार फिर एक नए संवत्सर का आरंभ हो रहा है। इस सृष्टि का जब से आरंभ हुआ, तब से हम लोग काल की गणना अपने पंचांग के आधार पर कर रहे हैं। 12 महीनों का हमारा एक संवत्सर होता है, जिसमें सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की गति को पूरा करता है। और इस तरह से 1,95,58,85,125 वर्ष सृष्टि के आरंभ से अभी तक के बीत गए। आज 126वां वर्ष शुरू हो रहा है, जिसको 60 संवत्सरों का जो चक्र होता है, उसमें से कालकृत नाम के संवत्सर के रूप में हम लोग गिन रहे हैं। यहाँ काशी में शंकराचार्य जी के घाट पर हम लोग समवेत हुए, बहुत सारे और विद्वान आए, बहुत सारे बटुक रहे। सब लोगों ने प्रथम सूर्योदय जो आज के संवत्सर का हुआ, उनका दर्शन किया और उनको सूर्यार्घ दे करके, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का आरंभ किया था, इसलिए आज का जो आरंभ है वो बहुत शुभ होता है। वो पूरे वर्ष पर्यंत उसका प्रभाव रहता है और इसीलिए आज के दिन नए संकल्प लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समवेत होकर के ये संकल्प लिया, इस संवत्सर को हम लोग गौ संवत्सर के रूप में मनाएंगे। क्यों? क्योंकि गौ हत्या हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पाप बताया गया है, महापाप कहा गया है। हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता पूजनीय है, उसकी हत्या ना हो। लेकिन आज़ादी के बाद से 75 साल का समय लंबा बीत गया। सब पार्टियों ने हमको समय समय पर आश्वासन दिया कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, हमें वोट दीजिए। हम उनको वोट देते रहे, लेकिन वो गौ हत्या को प्रोत्साहन ही देती रहीं, रोकने के लिए आगे नहीं आई। अब हम लोगों ने यह तय किया है यहाँ पर कि हमारा मतदान उसी पार्टी को होगा जो गौ हत्या को संसद में जा करके दंडनीय अपराध घोषित करेगी और गौ माता को पशु सूची से हटा करके राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। तो ये संकल्प आज के दिन यहाँ पर लिया गया है। स्वामी जी, सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा। हम तो ये जानते हैं कि 75 साल से जो भी सरकारें बनी हैं, उन सब की मंशा यही थी कि हमको कहे कि हम गौ हत्या बंद करेंगे, लेकिन गौ हत्या को बढ़ावा देते। गौ हत्या करने वाली मशीनों पर सब्सिडी दिया है सरकारों ने, गौ हत्या करने के लिए अलग अलग लोगों को लाइसेंस बढ़ाए हैं सरकारों ने, यहाँ तक कि गौ हत्या से प्राप्त जो पैसे हैं उनका चंदा भी लिया है लोगों ने। तो ऐसी परिस्थिति है कि हमारे सामने सब लोग गौ भक्त बनते हैं, लेकिन सत्ता में आसीन हो जाने के बाद गौ हत्या को प्रोत्साहन दे।
जो कि अब किसी भी दशा में हम हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये संकल्प लिया है यहाँ पर कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे जो गौ हत्या के बारे में स्पष्ट शपथ पूर्वक उद्घोषणा नहीं कर देती है कि अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा और दूसरा काम गौ हत्या को दंडनीय अपराध कराने का काम।